नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पावर प्लस में, एक ऐसा चैनल जो हेल्प करता है आपको आपकी कार सेलेक्ट करने में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे मारुति सुजुकी एस क्रॉस और विटारा ब्रेजा को, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपको सस्ती पड़ती है, किस में आपको ज़्यादा माइलेज मिलता है, किसका इंजन और परफॉर्मेंस अच्छा है और किस में आपको ज़्यादा फीचर मिलते हैं, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मारुति सुजुकी एस क्रॉस और विटारा ब्रेजा को कंपेयर करने के तीन मेन रीजन हैं। पहला, दोनों ही कारें मारुति सुजुकी की तरफ से आती हैं। दूसरा, दोनों ही कारों में आपको सेम इंजन मिलता है, यानी 1.3 लीटर डीजल इंजन। और तीसरा, दोनों ही कारें एक प्राइस रेंज में आती हैं और एक जैसे फीचर ऑफर करती हैं। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके डायमेंशन, लुक्स, इंजन, सेफ्टी, माइलेज और राइड एंड हैंडलिंग के बारे में, और देखेंगे कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू की। अगर मैं एस क्रॉस के ओवरव्यू की बात करूं तो इसकी लेंथ है 4300 mm, विड्थ है 1765 mm और हाइट है 1590 mm। इसमें आपको व्हील बेस मिलता है 2600 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm की, साथ ही साथ इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है 353 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 48 लीटर की। इसमें आपको 1.3 लीटर डीजल इंजन SHVS माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, जो डेवलप करता है 89 HP और 200 Nm ऑफ टॉर्क। इसमें आपको 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। इसके फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसमें आपको 16 इंची व्हील मिलते हैं। वहीं अगर मैं विटारा ब्रेजा के ओवरव्यू की बात करूं तो इसकी लेंथ है 3995 mm, विड्थ है 1790 mm और हाइट है 1640 mm। इसमें आपको व्हील बेस मिलता है 2500 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस है 198 mm की, साथ ही साथ इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है 328 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 48 लीटर की। इसमें आपको 1.3 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो डेवलप करता है 89 HP और 200 Nm ऑफ टॉर्क। इसमें आपको 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक। इसमें आपको 16 इंची व्हील मिलते हैं। दोस्तों, अगर दोनों ही कारों के डायमेंशन को कंपेयर करें तो एस क्रॉस में आपको लेंथ और विड्थ ब्रेजा से ज़्यादा मिलती है, वहीं विटारा ब्रेजा में आपको हाइट एस क्रॉस से ज़्यादा मिलती है। एस क्रॉस में आपको 2600 mm का व्हील बेस मिलता है, जो विटारा ब्रेजा से 130 mm ज़्यादा है, यानी रियर सीट स्पेस और कम्फर्ट के मामले में एस क्रॉस ब्रेजा से अच्छी है। साथ ही साथ एस क्रॉस में आपको बूट स्पेस भी विटारा ब्रेजा से ज़्यादा मिलता है, और जिसे आप रियर सीट को फोल्ड करके बढ़ा भी सकते हैं, यानी यदि आप अपने मेहमान को कहीं लेने और छोड़ने जाते हैं तो उनके बड़े बड़े बैग एस क्रॉस में काफ़ी आसानी से फिट हो जाएंगे। तो एस क्रॉस स्पेस और कम्फर्ट के मामले में विटारा ब्रेजा से अच्छी है। अब बात करते हैं लुक्स की। अगर मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो दोनों ही कारों की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। जहां एक ओर आपको विटारा ब्रेजा एक SUV की फील देती है, वहीं दूसरी ओर एस क्रॉस आपको एक स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक देती है। दोनों ही कारों में आपको 16 इंची व्हील मिलते हैं। विटारा ब्रेजा में आपको डुअल टोन का ऑप्शन मिल जाता है, जो एस क्रॉस में आपको नहीं मिलता। वहीं अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो दोनों ही कारों में आपको ऑल ब्लैक लेआउट केबिन मिलता है, लेकिन एस क्रॉस के इंटीरियर की क्वालिटी विटारा ब्रेजा से काफ़ी अच्छी है, जो एस क्रॉस के इंटीरियर को एक प्रीमियम फील देती है। अगर मैं दोनों कारों के मेन कॉमन फीचर की बात करूं जो आपको दोनों कारों में मिलते हैं, उसमें से हैं डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS विद EBD, सेंटर लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स कैमरा, सनग्लास होल्डर, रेन सेंसिंग वाइपर, 7 इंची टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 6 स्पीकर। वहीं एस क्रॉस के टॉप वेरिएंट में आपको विटारा ब्रेजा से कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, उनमें से हैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, लेदर सीट अपोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग एंड गियर नोब, LED हेडलाइट, डे टाइम रनिंग लाइट, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और एंड्रॉयड ऑटो इन इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर मैं इंजन और परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोनों ही कारों में आपको 1.3 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो डेवलप करता है 89 HP और 200 Nm ऑफ टॉर्क, लेकिन एस क्रॉस में ये आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, जिससे एस क्रॉस आपको ज़्यादा अच्छी माइलेज देगी। दोनों ही कारों में आपको 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो विटारा ब्रेजा की डेली एक्सोरूम प्राइस शुरू होती है 7,30,000 से और जाती है 9,51,000 तक। वहीं एस क्रॉस की डेली एक्सोरूम प्राइस शुरू होती है 8,49,000 से और जाती है 11,29,000 तक। लेकिन अगर आप वेरिएंट टू वेरिएंट कंपेयर करें तो विटारा ब्रेजा का टॉप मॉडल यानी ZDI+ डुअल टोन
आपको पड़ता है 11,18,000 का, वहीं एसक्रॉस जीटा आपको पड़ती है 11,26,000 की। यानी विटारा ब्रेजा का टॉप वेरिएंट आपको एसक्रॉस के मिड वेरिएंट से 8,000 रुपये सस्ता पड़ता है। साथ ही साथ उसमें आपको दो फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स और रेन सेंसिंग वाइपर। अब बात करते हैं माइलेज और सेफ्टी की। अगर मैं विटारा ब्रेजा की माइलेज की बात करूं तो कंपनी इसकी माइलेज 24.3 क्लेम करती है, वहीं एसक्रॉस की माइलेज 25.1 क्लेम करती है, क्योंकि एसक्रॉस में आपको SHVS माइल्ड हैवी टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे उसकी माइलेज काफ़ी अच्छी हो जाती है। यानी रियर वर्ल्ड में आपको एसक्रॉस में विटारा ब्रेजा से अच्छी माइलेज मिलेगी। वहीं मैं सेफ्टी की बात करूं तो दोनों ही कारों में आपको डुअल एयरबैग एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद EBD मिलता है, यानी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कारें काफ़ी अच्छी हैं। अब बात करते हैं राइड और हैंडलिंग की। यदि मैं राइड और हैंडलिंग की बात करूं तो एसक्रॉस का डिज़ाइन विटारा ब्रेजा से ज़्यादा एरोडायनेमिक है। यदि आप एक कीन ड्राइवर हैं तो एसक्रॉस को चलाने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एसक्रॉस मोड़ों पर विटारा ब्रेजा से ज़्यादा अच्छी पकड़ बनाती है और इसमें आपको बॉडी रोल भी कम होता है। साथ ही साथ इसका स्टीयरिंग रेस्पॉन्स भी विटारा ब्रेजा से अच्छा है। यानी यदि गाड़ी आप खुद चलाते हैं तो एसक्रॉस विटारा ब्रेजा से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो एसक्रॉस विटारा ब्रेजा से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन यदि आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो आपको एक SUV की फील दे और आपके बजट में फिट हो जाए तो आप विटारा ब्रेजा को ले सकते हैं। वहीं आप अगर एक ऐसी कार लेना चाहते हैं जो आपको एक स्पेसियस केबिन बूट स्पेस के साथ साथ ज़्यादा फीचर भी दे तो आप एसक्रॉस को चुन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियो इस चैनल पर अक्सर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।